अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिलाफोर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 10th बायोलॉजी क्लास बेटा। 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसमें से हमने जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट है वो हमने शुरू किया हुआ है और हम जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस कर रहे हैं आज बेटा। उन्हीं ग्लैंड्स में से जो दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड एंड दी पैंक्रियास, बेटा हम उनको डिस्कस करेंगे। अब से पहले जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस कर चुके हैं, उसका इंटीरियर लोब हमने देखा, पोस्टीरियर लोब देखा, फिर इसी तरह हमने थायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया, पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया। बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड एंड दी पैंक्रियास। तो बेटा पेज नंबर है आपके पास 49, चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और पेज नंबर है आपके पास 49। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं आपके पास ये एड्रिनल ग्लैंड क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें से कितने टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट आउट हो रहे होते हैं। चलिए पहले देखते हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड तो बेटा जहां पे भी आप एड्रिनल का वर्ड देखें या सुने तो उसका मतलब होता है किडनीज। जहां पे भी वर्ड आप रीनल या एड्रिनल सुने उसका क्या मतलब होगा, किडनी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि जो आपके पास टू एड्रिनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड अबव द किडनी। ठीक है, कितने ग्लैंड्स होते हैं ये एड्रिनल, इनको हम कहते हैं ग्लैंड नॉट ग्लैंड। ठीक है बेटा, ये कितने होते हैं आपके पास, दो होते हैं, यानी एक पेयर होता है हर एक किडनी के टॉप पे। बेटा जो एक आपके पास एड्रिनल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, और जो कलेक्टिवली हम उनको क्या कह देते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स का हमारे पास क्या होता है, एक पेयर होता है। तो पहली बात आपके पास आ गई कि अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है, ईच ऑन द टॉप ऑफ किडनी, ईच ऑन द टॉप ऑफ किडनी। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास किडनीज का क्या होता है, पेयर होता है एक बॉडी के लेफ्ट साइड पे एक बॉडी के राइट साइड पे। तो बिल्कुल बेटा किडनीज के ऊपर आपके पास ऑन द टॉप ऑफ द किडनी हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, आपके पास एड्रिनल ग्लैंड। अगर हम सिंपली उसे छोटी सी डायग्राम में देखना चाहें तो ये आपके पास इस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहां पे बेटा आपको पता है डिफरेंट जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, यहां पे करके आपके पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसी तरह से आपका जो राइट किडनी है उसके टॉप पे भी आपके पास एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होगा, और जो आपके पास राइट किडनी होगा उसके टॉप पे भी एड्रिनल ग्लैंड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। चले अब देखते हैं कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है आपके पास इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। ठीक है, सो आपके पास जो है जैसे कि आपने उसमें देखा था कि किडनीज का आपके पास दो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थे, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर था उसको हमने कहा था मेडुला, और जो आउटर रीजन था उसको हमने क्या कहा था, कॉर्टेक्स। तो बेटा बिल्कुल उसी तरह जो आपके पास ये भी जो स्ट्रक्चर है आपके पास एड्रिनल ग्लैंड का, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वो कौन से हैं पार्ट्स आपके पास, पहला आ जाएगा आपके पास कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। अब देखते हैं कि कॉर्टेक्स कौन सा रीजन होगा आपके पास, आउटर रीजन, जो बाहर वाला रीजन है एड्रिनल ग्लैंड का वो है आपके पास कॉर्टेक्स, और जो इंटरनल रीजन है इनर साइड वाला रीजन है वो आपके पास क्या है, मेडुला। अब बेटा ये जो कॉर्टेक्स और मेडुला है
ये अलग अलग तरह के जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अगर हम पहले देखें कि जो एड्रिनल मेडुला आपके पास वो सिक्रीट करता है एपिनेफ्रिन और दी एड्रिनालिन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अगर बेटा हम इनके हार्मोन्स की यहाँ पे हेडिंग दें, पहले हार्मोन्स, तो पहले देखते हैं आपके पास मेडुला के हार्मोन्स, जो एड्रिनल मेडुला है आपका, वो कौन से हार्मोन क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो अगर मेडुला की बात करें तो ये बेटा आपके पास सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन, एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन। बेटा एड्रिनालिन को ही एपिनेफ्रिन कहते हैं, एड्रिनालिन और भी एपिनेफ्रिन कब सिक्रीट करता है आपके पास, इन द स्टिमुलस ऑफ स्ट्रेस, मतलब जब भी बॉडी में किसी स्ट्रेस की कोई सिचुएशन होगी, इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ठीक है, जब भी बॉडी में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, कोई स्ट्रेस की सिचुएशन होगी, तो आपके पास जो एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला पोर्शन है वो एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसको हम कहते हैं एड्रिनालिन और दी नॉन एड्रिनालिन। ठीक है, ये हार्मोन अब क्या करता है, इट प्रिपेयर द बॉडी टू ओवरकम इमरजेंसी सिचुएशन। ये वाला जो हार्मोन है आपके पास एड्रिनालिन, ये क्या करता है, इट प्रिपेयर्स द बॉडी, प्रिपेयर्स द बॉडी टू ओवरकम इमरजेंसी सिचुएशन। कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो उस सिचुएशन को डील करने में जो आपके पास एड्रिनल मेडुला है वो क्या करता है, अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसमें क्या क्या हो सकता है बेटा, ये जब हमने पीछे जब नर्वस सिस्टम पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि स्ट्रेस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या होता है आपके पास, कि जो आपका ब्लड सप्लाई है, ठीक है, वो आपके स्केलेटल मसल्स को तो इंक्रीज कर दी जाएगी, इसी तरह से जो आपकी हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो आपका ब्लड प्रेशर है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उनमें जो ब्लड फ्लो है वो कम कर दिया जाएगा। तो बेटा शॉर्ट जो आपके पास बॉक्स में ये डिटेल भी बताई गई है आपकी बुक में कि किस तरह से जो बॉडी है वो प्रिपेयर करती है या वो कौन सी चेंजेस होती हैं, तो बेटा सबसे पहली चेंज क्या होती है आपके पास, कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड वन है जी, आपके पास जो ब्लड सप्लाई है वो स्केलेटल मसल को बढ़ा दी जाएगी और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको क्या कर दी जाएगी, डिक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें पेपर में लग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी टू ओवरकम दी, आप कह सकते हो कि स्ट्रेस सिचुएशन या ओवरकम दी इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि हाउ बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो अगर कोई आपके आपको फियर है, आपको कोई खौफ है, ठीक है, या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है, या कोई गुस्सा है, तो अल्टीमेटली उसमें कौन कौन सी चेंजेस होती हैं आपके पास, जो सबसे पहली चेंज है बेटा वो क्या होगी आपके पास, कि जो आपकी हार्ट बीट है, जो आपकी हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो ब्लड प्रेशर है, जब हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद ब्लड फ्लो टू लिम्स बेटा आपके जो शोल्डर्स, ठीक है, आपके बाजू और जो आपकी टांगे हैं उनको लिम्स कहा जाता है। ब्लड फ्लो टू लिम्ब इंक्रीज, ठीक है, जो आपके लिम्स हैं उनमें जो ब्लड फ्लो है उसको क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट है आपके पास जो एक और चेंज होती है वो क्या होती है, ब्लड फ्लो टू एलिमेंट्री कैनाल
एलिमेंट्री कैनाल बेटा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एंड स्किन इज रिड्यूस या इज डिक्रीज, ठीक है। तो यही जो चेंजेस आपके पास मेन चेंजेस होती हैं, इसी तरह से जो बॉडी है वो खुद को क्या करती है, स्ट्रेस सिचुएशन के लिए या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। और इसे कौन प्रिपेयर करता है, एड्रेनल मेडुला से निकलने वाला एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं एड्रेनालिन और दी एपिनेफ्रिन। चलें जी, क्लियर हो गया। अब बेटा इसी के साथ जो नेक्स्ट है आपके पास वो है कॉर्टेक्स। ये तो हमने डिस्कस कर लिए, मेडुला से निकलने वाला हार्मोन एड्रेनालिन एंड दी नॉन एड्रेनालिन। नेक्स्ट है आपके पास जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो बेटा अगर हम एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करें तो वहां से जो हार्मोन आपके पास निकल रहे हैं वो एक सिंपल हार्मोन नहीं है, वो हार्मोन्स की एक पूरी क्लास है, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मेनी हार्मोन्स, अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स आप कह लें, एड्रीनल कॉर्टेक्स सीक्रेट अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, उस ग्रुप का क्या नाम है, कॉर्टिको स्टीरॉइड्स, कॉर्टिको स्टीरॉइड्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास कॉर्टिको स्टीरॉइड्स हैं ये क्या करते हैं, मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। ये जो आपके पास कॉर्टिको स्टीरॉइड्स हैं ये क्या करते हैं, मेंटेन द बैलेंस ऑफ किसका, बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन अवर बॉडी, ठीक हो गया। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में हमने क्या डिस्कस किया है कि जो आपके पास एड्रिनल ग्लैंड का एक पेयर होता है, हर किडनी के टॉप पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अगर हम उसको उसके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें, उसके दो पार्ट्स हैं, आउटर पार्ट्स है जो आपके पास वो है कॉर्टेक्स, जो इनर पार्ट है वो क्या है, मेडुला, ठीक है। अगर हम इनके हार्मोन्स की बात करें तो जो आपके पास मेडुला है वो सिक्रीट करता है एड्रेनालिन और दी एपिनेफ्रिन, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है। इसी तरह हमने फिर देखा कि ये बॉडी की इमरजेंसी सिचुएशन है ये किस तरह से होती है, तो वो भी हमने देखा। फिर हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो निकलने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। चलें अब चलते हैं बेटा, नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है पैंक्रियास। नेक्स्ट जो हार्मोन है आपका वो है पैंक्रियास। तो बेटा जो पैंक्रियास है ना आपके पास, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। अब जरा याद करें कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस था। एंडोक्राइन ग्लैंड आपके पास ऐसे ग्लैंड थे जिनमें किसी भी किस्म की कोई डक्ट नहीं थी, जो आपके पास सिक्रीशन थी हार्मोन की वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आती थी। लेकिन जो आपके पास पैंक्रियाज है इसमें दोनों तरह के जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म होते हैं। बेटा देख लेते हैं पैंक्रियाज, तो पहली बात आ गई कि इट एक्ट एज बोथ एड्रेनल, हो इट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड दी एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड दी एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब जो इसके एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है वो जो है कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स थ्रू अ डक्ट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये वाला जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव हार्मोन्स, डाइजेस्टिव हार्मोन थ्रू द डक्ट, क्योंकि ये एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन का मतलब होता है विद डक्ट, थ्रू द डक्ट कहां पे, थ्रू द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो एक्सोक्राइन आपके पास ऐसा ही पार्ट होता है कोई जो किसी डक्ट के जरिए जो हार्मोन हैं वो किसी बॉडी के पार्ट तक या ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचाता है। और दूसरी तरफ आपके पास अगर हम इसके एंडोक्राइन की बात करें, एंडोक्राइन पार्ट की, तो उसमें आपके पास जो है वो डक्टलेस होगा ऑब्वियसली वो, और उसके साथ इस पोर्शन में आपके पास क्या होते हैं, कंटेन ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स। ये जो इसका एंडोक्राइन पोर्शन होता है इसमें क्या होते हैं,
ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स के मजमुए होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है बेटा, ये एक साइंटिस्ट था आपके पास, एक बायोलॉजिस्ट था, जिसने ये वाले जो सेल्स का ग्रुप था इसको डिस्कवर किया था, इसी वजह से ये जो सेल्स हैं इनका नाम क्या दे दिया गया, आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। ठीक है, अब बेटा ये जो सेल्स हैं ये किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है, मतलब के डिफरेंट तरह के जो हॉर्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करते हैं, लेकिन डक्ट के थ्रू नहीं, डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं इनटू द ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये दो तरह के हार्मोन आपके पास सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जो पहला हार्मोन आपके पास वो है ग्लूकागॉन और दूसरा है आपके पास इंसुलिन। अब ये जो दोनों हार्मोन है ये एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं कि ग्लूकागॉन क्या करता है। जो ग्लूकागॉन है आपके पास वो क्या करता है, डिक्रीज इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज। इसी तरह इसके अपोजिट आ जाएगा इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब ये इंक्रीज किस तरह से करता है और ये डिक्रीज किस तरह से करता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकागॉन है जो वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस द लीवर, इन्फ्लुएंस द लीवर क्या इसने इंक्रीज करनी है, तो ऑब्वियसली जो आपको पता है कि लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जो बाद में हम उसे ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या करता है आपके पास, इन्फ्लुएंस द लीवर टू रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड, इन्फ्लुएंस द लीवर टू रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, और जो आपके पास इंसुलिन है, इंसुलिन में क्या होगा कि ये इन्फ्लुएंस द लीवर टू टेक अप, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस द लीवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। ठीक हो गया, चलें अब ये बात आपको क्लियर है कि जो ग्लूकागॉन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, किस तरह से इंक्रीज करता है, तो जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज कर देता है। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड में उसको दोबारा से लीवर में क्या करवा देता है, स्टोर करवा देता है। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, इंसुलिन, ताकि उस जो आपके पास ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मल किया जा सके। इसी तरह इसके अपोजिट अगर आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है कम हो गया है तो कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा, ग्लूकागॉन। तो ये जो दोनों हार्मोन है ये आपस में बेटा कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और जो बॉडी का आपके पास जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन रखने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब अगर किसी वजह से ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसके डिसफंक्शन की बात करते हैं, अगर इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल नहीं हो रही होगी तो क्या होगा आपके पास बेटा, ठीक है, आपके पास क्या होगा कि जो पर्सन है उसको डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, इफ पर्सन पैंक्रियास डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन राइज। ठीक है, अगर आपके पास इफ देयर इज नो नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का क्या काम था, उसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करना था, डिक्रीज करना था, तो जब इंसुलिन नहीं होगी तो आपके पास क्या होगा, राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये जो राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल है इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, डायबिटीज, क्या कहते हैं,
डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, यही जो आपके पास डिजीज है ये क्या कहलाती है, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक हो गया। चले अब बेटा इस डायबिटीज में आपके पास जो बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का, हम किस तरह से देखेंगे कि इसको डायबिटीज है या नहीं है, तो बेटा इसके लिए हमारे पास एक तो पूरा जो टेस्ट होता है जिसमें से हम ब्लड लेते हैं और ब्लड में से जो ग्लूकोज कंसेंट्रेशन है वो देख लेते हैं, लेकिन ये जो आपके पास डायबिटीज है इसकी कुछ सिम्टम्स भी हैं, इसकी कुछ सिम्टम्स भी हैं आपके पास। वो सिम्टम्स क्या हैं, वो सिम्टम्स हैं आपके पास, सबसे पहली है वो है जी आपका वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है, वीकनेस ऑफ मसल्स एंड टायर्डनेस, वेट लॉस, ठीक है, पहला। दूसरा आ जाएगा आपके पास वीकनेस ऑफ मसल्स, जो आपके मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, और जो थर्ड वन है वो है टायर्डनेस, मतलब थका थका सा इंसान क्या करता है अपने आप को महसूस करता है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए कोई ना कोई, ये तो इसकी सिम्टम्स, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को डायबिटीज हो गई है उसका ट्रीटमेंट फिर क्या आपके पास, ट्रीटमेंट उसका ये है कि हम उसे बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन की फॉर्म में क्या करते हैं उसकी बॉडी में सिक्रीट आउट करवा देते हैं, ठीक है। अब वो जो इंसुलिन है वो कहाँ से आती है बेटा, पहले तो वो आपके पास एनिमल्स से हम एक्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है हमने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो ह्यूमन का इंसुलिन का जीन है उसको हमने बैक्टीरिया वगैरह में इंसर्ट किया है, और वहां से बेटा हम उनसे क्या ले लेते हैं, इंसुलिन ले लेते हैं। ये जो आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है इसको आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे भी लास्ट पे, ठीक है, लेकिन अभी आप यही याद रखें कि अगर किसी पर्सन को इंसुलिन की कमी है या उसकी इंसुलिन सही से काम नहीं कर रही, हम क्या करते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में उसे क्या कर देते हैं, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे बेटा आपके पास टर्म यूज हुई है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद वही है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या, हम उसे इंजेक्शन की फॉर्म में इंसुलिन दे देते हैं। वो इंसुलिन कहाँ से आती है, हम एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते थे शुरू में, लेकिन अब जो है आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम वो जो इंसुलिन है वो बैक्टीरिया वगैरह से हासिल करते हैं, लेकिन वो इंसुलिन प्योर ह्यूमन इंसुलिन होती है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। चलें अब आते हैं कि हम किस तरह से पता चलाते हैं कि किसी पर्सन को डायबिटीज है या नहीं है, तो बेटा इसके लिए चले इस टेस्ट को डिस्कस करने से पहले एक बात याद रखें कि जो नॉर्मल ह्यूमन है उसमें जो ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन है वो कितनी होती है आपके पास, आप कह सकते हो कि 80 to 120 मिलीग्राम, 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, ये क्या है नॉर्मल अमाउंट है। इससे अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो पेशेंट है उसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी। अब बेटा उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं BGC, ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या होता है आपके पास, हम सिंपली जो पर्सन है उसकी बॉडी में से ब्लड लेते हैं, ठीक है, एक जो ड्रॉप ऑफ ब्लड इज इनफ, वो जो ड्रॉप है वो हमारे पास स्पेसिफिक चिप होती है, हम उस पर जब लगाते हैं तो वो जो उसमें ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन है उसको मेजर कर देता है। अब ये जो ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन टेस्ट है ये मतलब दो तीन तरह से किया जाता है, एक तो किया जाता है फास्टिंग, मतलब जब आपने कुछ ना खाया हो, ठीक है, दूसरा इस तरह से किया जाता है कि आपको खाने के 2 घंटे बाद जो है वो ग्लूकोज ड्रिंक दी जाती है, ठीक है, सिंपली ये आपके पास क्या आ जाएगा टेस्ट टू मेजर दी ग्लूकोज लेवल इन दी ब्लड। दो तरह से होता है आपके पास, ऑन फास्टिंग मतलब जब आपने 6 से 10 घंटे तक या 8 से 10 घंटे तक आपने कुछ ना खाया हो, ठीक है, 8 to 10 hours आफ्टर मील। अब यहां पे जो उसकी वैल्यूज आएंगी वो अगर तो हूं आपके पास 70 to 99, ठीक है, तो वो जो पर्सन है वो क्या होगा नॉर्मल होगा, वो जो पर्सन है वो क्या होगा नॉर्मल होगा। अगर बेटा जो उसके ब्लड ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन है वो 100 से 125 के दरमियान आए, 100 to 125 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो बेटा फिर आपके पास जो है
वो पर्सन क्या है, प्री डायबिटिक है, मतलब उसे डायबिटीज होने के चांसेस हैं। प्री डायबिटिक है मींस कि उसे डायबिटीज होने के चांस हैं। और इसी तरह से अगर उसमें जो इसकी वैल्यूज हैं वो 126 से अबव हैं, अबव दी 126 मिलीग्राम पर 100 ml, तो बेटा ऑब्वियसली वो जो पर्सन है आपके पास वो क्या है, डायबिटीज का पेशेंट है। ठीक हो गया। चलें इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर जो है पर्सन को हम खाना खाने के 2 घंटे बाद एक ग्लूकोज ड्रिंक पिलाते हैं, ठीक है, आफ्टर इसे हम कह सकते हैं कि टू आवर्स आफ्टर मील, लेकिन बेटा यहां हम इसके साथ क्या करते हैं, 75 ml की जो आपके पास ग्लूकोज ड्रिंक है वो भी देते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, अगर फिर आपके पास वैल्यूज आए लेस देन 140, पहले जो हमने टेस्ट किया वो किया था 8 से 10 घंटे खाना खाने के बाद, अब किस तरह कर रहे हैं कि खाना खाए हुए 2 घंटे हुए हैं लेकिन हमने जो पेशेंट है या जो टेस्ट करवाने वाला पर्सन है उसको हमने ग्लूकोज ड्रिंक भी पिलाई है, ठीक है, तो अब जो ग्लूकोज ड्रिंक पिलाने से ऑब्वियसली जो उसका ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, बहुत इंक्रीज हो जाएगा। अगर तो आए वो लेस देन 140, तो वो क्या पर्सन आपके पास नॉर्मल इसके यूनिट है mg पर 100 ml, ठीक है, अगर 140 to 200 तो वो जो पर्सन है वो क्या होगा, प्री डायबिटिक। उसी तरह से अगर जो है वो ओवर 200 हो, 200 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ दी ब्लड, तो वो क्या होगा आपके पास, वो पर्सन क्या होगा, डायबिटिक होगा। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से काफी सारे बनते हैं कि एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है पैंक्रियाज का, एक्सोक्राइन कौन सा है, आइसलेट्स ऑफ लैंगेनहेंस के हैं, इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट हो रही है, ग्लूकागोन कहाँ से सिक्रीट हो रही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट क्या है, फास्टिंग पे MCQ के वाले से पूछा जा सकता है ये आपसे, ठीक है, तो बेटा इस लेक्चर को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।